हैप्पी गणेशा। कहाँ से मिली इंस्पिरेशन खुद गणपति बनाने? बस यार वक्त बदल रहा है हमारा। ओके सो मेरे साथ है फिलहाल करण भाई, और करण भाई को मैं जब इंस्टा पे फॉलो करता हूँ तो ये ना हर बार गणपति बिना गणपति बनाते वक्त के बहुत सारे फ़ोटो डालता है, और मैं 2 साल से उसको देख रहा हूँ, इस साल मुझे मिल गया है। मैं इसको पूछता हूँ इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड व्हाई ही स्टार्टेड मेकिंग ओन गणपति अपने हाथों से। हेलो कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? गणपति को रखे हुए आई थिंक रखते हुए 7 साल हो गए शायद। मैं जब अपने घर में शिफ्ट हुआ था तो उस दिन मैंने पहली बार गणेशा रखे थे। 2 साल से गणपति मैं खुद बना रहा हूँ। कहाँ से मिली इंस्पिरेशन खुद गणपति बनाने? बस यार वक्त बदल रहा है हमारा। तो 3 साल पहले राकेश बापड़ जो एक एक्टर है हमारे दोस्त हैं, राकेश हर साल अपना गणपति खुद बनाता है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ स्कल्प्टर एंड अ पेंटर। तो उसने मुझे और ऋत्विक को कहा कि यू नो यू शुड ऑल्सो डू दिस बिकॉज हम लोग सब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे स्पेशली गणेश उत्सव के अगले दिन जब हम वो मूर्तियाँ टूटी हुई मूर्तियाँ बीच पे देखते हैं, हम हर जगह देखते हैं, तो हम बड़े इजीली अपने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डाल के लिख देते हैं दिस नीड्स टू स्टॉप। और करते कुछ नहीं। हाँ एंड आई फील मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं करता था। तो राकेश टोल्ड अस दैट यू नो आई अंडरस्टैंड एक गणपति से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम एक गणपति कम POP का बीच पे पड़ाव मिलेगा। तो उन्होंने 3 साल पहले बनाया, तो 3 साल पहले मैं डर गया था कि मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, तो मैं गया ही नहीं। तो ऋत्विक और राकेश ने इको फ्रेंडली गणपति जो हम मिट्टी और क्ले से बनाते हैं उन्होंने बनाया। फिर पिछले साल ऋत्विक मुझे लेकर गया कि एटलीस्ट ट्राई, अगर नहीं बना तो क्योंकि हम सब साथ में बना रहे हैं तो तू नहीं बना पाएगा तो कोई और तेरे लिए तेरा बना देगा गणपति, बट ट्राई इट। आपको पेंट करना है तो आप पेंट कर सकते हैं। यूजली कोशिश कीजिए लेड फ्री पेंट्स यूज़ करें। मुझे पेंट करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो जो जैसे बनते हैं इनोसेंस, वो इनोसेंस में है बेसिकली। वाही कोई कलर्स नहीं करता है, उसे सिंदूर यूज़ करता है, जो एरिया उसको डार्क करने होते हैं उसको गीला कर देता है और जो डार्क नहीं करने होते हैं उनको सूखा स्प्लिंकर करता है। आइडिया ये है कि भाई अभी वक्त आ गया है कि हम रिलीजियस बिलीफ रखें, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप गणपति ना रखें, पहली बात तो होना चाहिए कि आप इन्वायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करो। वी आर एनी वेज टू लेट बट स्टिल वी आर नॉट लेट। अगर हम इस बार से ये सोचें कि अगली बार के जो हमारे गणपति होंगे वो इको फ्रेंडली ही होंगे, उनका विसर्जन घर में एक बाल्टी में ही होगा, तो इमेजिन हमारे सी कितने सेफ होंगे। एंड अल्टीमेटली हम आने वाली जनरेशन को अच्छा फ्यूचर देना है तो हमें आज से ये सब करना होगा। एंड इट्स गुड फॉर एवरीथिंग यार, ट्रैफिक नहीं होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा बिकॉज बहुत सालों से बोल रहे हैं कि यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, टू वर्क ऑन ग्लोबल वार्मिंग या ये जो भी हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ क्लासिक केस। मैं आज सुबह किसी को बोल रहा था क्योंकि आज दूसरा दिन था और आज बहुत मुझे पिक्चर ऐसी आई जहाँ गणपति जी यू नो टूटी हुई। हाँ यस, तो आई थिंक व्हाट हैपेंड इन मुंबई आई थिंक इज़ जस्ट अ सिग्नल फ्रॉम इट। वी शुड लर्न फ्रॉम बहुत सारे मिथ थे हमारे लिए, बहुत सारे थॉट्स हैं, मिथ नहीं बोलूँगा बट बहुत सारे थॉट्स थे कि हम यूजली बोलते हैं गणेश चतुर्थी पे आपको हर साल या तो गणपति का साइज़ सेम रखना है या बढ़ाना है, आप कम नहीं कर सकते हो, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे फाइनली एक चीज़ एक मैंने रियलाइज़ की कि ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये हमने एज़ ह्यूमन बींग्स हमने ये बनाए हैं कि गणपति का साइज़ नहीं कम हो सकता बिकॉज आई एम श्योर द गॉड डिडंट कम एंड से दिस। सब्सक्राइब टू इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इट्स एक्चुअली यू नो आई एम सो हैप्पी समवन इज एक्चुअली स्प्रेडिंग आवर मैसेज, एवरीवन्स मैसेज। ही इज डन हिज जॉब, इट्स टाइम फॉर यू टू डू योर्स। सो हैप्पी गणेशा।